नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उनकी यादों को हमेशा संजोकर रखूंगा। गोवा के बार और रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका, किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं। त्वांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख, सीमा पर तैयारियों का लिया जायजा। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए शहर शनिवार होंगे विशेष इंटरव्यू, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ाया स्टाफ। पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालय में होगी राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता, 50,000 छात्र उसमें शामिल होंगे। पहाड़ी राज्यों में फिर बदलेगा मौसम, जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी तो 24 घंटे बर्फबारी का अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार नामों की सिफारिश दोहराते हुए वरिष्ठता पर दिया जोर। एनडीआरएफ बचाव कार्य को लिए पहाड़ियों में स्थायी टीम करेगा तैनात, भूस्खलन बाढ़ के दौरान होगी आसानी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 343 परियोजनाओं की लागत 5.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, देरी से चल रही है 835 परियोजनाएं। भारत में कोरोना से राहत, 24 घंटे में आए 94 नए मामले। डीजीपी बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुराने क्रिमिनल कानून खत्म किए जाएं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और असम के लिए गठित की राजनीतिक मामलों की समिति, नए उपाध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत में बीजेपी की 3 बी टीम है, कांग्रेस का वोट काटने के लिए हुआ गठन। शीतलहर कोहरे के बाद अब बारिश और बर्फबारी का अटैक, बदल रहा उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। भारत ने 249 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को अजमेर शरीफ आने के लिए जारी किया वीजा, 488 लोगों ने भेजा था आवेदन। अलीगढ़ में छात्रों ने किया मेडिकल कॉलेज में मारपीट, पुलिस को देखते छात्र मौके से हुए फरार। अलीगढ़ में पड़ोसियों ने किया महिला पर चाकू से हमला, मामूली कहासुनी को लेकर किया हमला। अलीगढ़ में इंस्पेक्टर ने दिखाई दरिया दिली, गरीब परिवार की बेटी को दिलाई साइकिल। अलीगढ़ में महिला की फांसी लगाकर हत्या, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप। अमरोहा में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की निंदा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने की कार्यवाही की मांग।
औरैया में कटरा ब्लॉक में डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गाजियाबाद में बाज के साथ तस्कर हुए गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, सपा पर लगा तुष्टिकरण का आरोप। अलीगढ़ में जलभराव की समस्या से परेशान विद्यार्थी, बच्चों और नागरिकों ने किया प्रदर्शन। औरैया में अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का पुतला फूंका गया, नारेबाजी करते हुए पुतले में लगाई गई आग। औरैया में चाय बनाते समय महिला व उसकी ननद झुलसी, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो चोर करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। फरीदाबाद में स्ट्रीट क्राइम की टीम को मिली बड़ी सफलता, ठगी करने के गिरोह का किया गया भंडाफोड़। बाद में रील बनाते हुए युवक का वीडियो वायरल, रील बनाने वालों पर पुलिस ने ले रही एक्शन। गाजियाबाद में दबंगों ने किया सोसाइटी गार्ड की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुआ सारा मामला, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में जेल से रिहा हुई खुशी दुबे, पुलिस ने लगाए घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पांच वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनती हैं इस तरह की याचिकाएं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव को सदैव निखार सके इसके पक्षधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट में खड़ा था टैंकर, बनारस में हो गया चालान, फर्जी नंबर प्लेट फास्टैग पर खेल। मानव श्रृंखला बनाकर किया जाएगा जागरूक, आजमगढ़ में स्कूलों में होगी पेंटिंग प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा के तहत चलाया जा रहा है अभियान। बाद में पक्षी तस्कर से आईबी की पूछताछ, एनिमल संस्था का दावा, पाकिस्तान में पाए जाते हैं पकड़े गए सफेद बाज। कानपुर में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रोफेसर विनय पाठक, दोबारा संभाल सकते हैं चार्ज, सीबीआई कर रही है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच। कोर्ट में ज्ञानवापी के चार मामले की सुनवाई, परिसर में कथित शिवलिंग पूजने की अनुमति पर बहस। श्रावस्ती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई जयंती, श्रृंखला के जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कौशाम्बी में दबंगों ने प्रधानपति को डंडे से पीटा, घेर पर चार लोगों ने की पिटाई, नाली और खड़ंजा के विवाद में पक्षपात का लगा था आरोप।
मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। मेरठ की बाल वैज्ञानिक बहनों की बड़ी उपलब्धि, राणा बहनें राष्ट्रीय निर्णायक मंडल की सदस्य चुनी गयी। बरेली में फिर बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार, तापमान बढ़ने से हाड़ कपाने वाली सर्दी से राहत मिलनी शुरू। कमिश्नर दफ्तर में धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान, मेरठ कमिश्नर ने नहीं सुनी शिकायत, सपा विधायक बोले जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं की जा रही है। विधानसभा में 2016 से पहले कर्मियों को लग सकता है झटका, 32 पदों पर भर्ती की होगी जांच। खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर सामान मंगवाते थे अजियो के डिलीवरी बॉय, फिर इस तरह बिना पेमेंट के कंपनी को लगाते थे चूना। हरिद्वार सीट से दावेदारी को लेकर कांग्रेस में जंग तेज, दम ठोक सकते हैं हरक सिंह रावत। चौबीस जनवरी से भारी वर्षा बर्फबारी के आसार, पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी। सामने आया भूधसाव का नया कारण, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा मौजूदा हालात में यह तर्कसंगत नहीं। उत्तराखंड पहुंचे अखिलेश यादव, कहा सपा की मजबूती के लिए करेंगे संगठन की बैठक। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों में फिर छलका दर्द, कहा देवस्थानम बोर्ड होता तो उसकी आय से हो जाता पुनर्निर्माण। राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटा शासन, 2000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है एस्टीमेट। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आपदा प्रभावित, इन्हें ठंड से बचाव के लिए किए गए पुख्ता बंदोबस्त। जाम की समस्या से निपटने को यातायात पुलिस की नई पहल, सड़क किनारे अगर आपका प्लाट है तो। बर्फबारी से ढके यह 6 हिल स्टेशन सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। युवक की पिटाई का मामला सामने आया, अब नया मोड़, अब मंदिर समिति पहुंची न्यायालय। टिहरी में भीषण सड़क हादसा, आगरा खाल कुसरेला मार्ग के पास ऑल्टो दुर्घटनाग्रस्त में 3 की मौत। अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई का मामला, आयोग ने आयुष की मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल, जांच के निर्देश दिए। पीड़ितों की मदद को आगे आए बाबा रामदेव, जोशीमठ रवाना किए गए राहत सामग्री के 2 ट्रक। कैलिफोर्निया में भीड़ पर बरसाई थी गोलियां, 10 लोगों की जान लेने वाले हत्यारे ने खुद को गोली मारी। ब्राजील में कुपोषण और अन्य बीमारियों से बच्चों की मौत के बाद मेडिकल इमरजेंसी लागू।
पोलैंड ग्रीस फ्लाइट में बम की खबर, एयरफोर्स ने एंथेसा में करा दी इमरजेंसी लैंडिंग। पीटीआई के 35 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही हैं कम। एक हफ्ते में 13,000 मौतें, 80% जनता संक्रमित, चीन में अभी भी कोरोना है बेकाबू। ऑस्ट्रेलिया में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तान समर्थकों ने की तोड़फोड़। लॉस एंजलिस में चाइनीज न्यू ईयर के दौरान फायरिंग, 10 लोगों की मौत और 10 घायल हो गए। फिलिस्तीन की सैली अजहर ने रचा इतिहास, होली लैंड में पहली बनी महिला पादरी। सोमालिया के राजधानी मोगादिशु में अल शबाब ने सरकारी बिल्डिंग पर हमला, 5 लोगों की मौत और 16 घायल। तुर्की में 14 मई को होगा प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति एर्दोगन ने की घोषणा। पेट्रोल के जल्द सस्ता होने का नहीं रखे अरमान, मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान। कर्ज में डूबे चाइनीज बिलियनियर की वेल्थ 93% घटी, एबर ब्रांड ग्रुप के चेयरमैन यान की नेटवर्थ 3 बिलियन डॉलर रह गई, 42 में 39 मिलियन डॉलर घटाए गए। एफडी की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, केनरा और इंसेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में हुई बढ़ोतरी। फ्री और गैर जरूरी खर्चों ने बिगाड़े राज्यों के हालात, बड़ी कमाई ब्याज में जा रही है फिर भी खर्च। लीला पहले से 23.46 लाख की ठगी करने वाला अरेस्ट, ये खुद को यूएई के शाही परिवार से जुड़ा बताया था, फर्जी बिजनेस कार्ड भी दिखाया। आज कैंसिल कर दी 322 ट्रेनें, 20 से ज्यादा रीशेड्यूल कर दी गई। सरकारी बैंकों के वित्तीय हालत सुधरी, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को कैपिटल सपोर्ट नहीं करेगी सरकार। ठंड और कोहरे के कारण 400 के करीब ट्रेनें कैंसिल, सिर्फ 3 ट्रेनें डायवर्ट। केनरा बैंक एसबीआई को बेचने जा रहा ज्वाइंट वेंचर, अपनी हिस्सेदारी 114 करोड़ रुपए में होगी डील। संगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में इजाफा, नवंबर के दौरान जुड़े 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। प्रचंड फॉर्म में है शुभमन गिल, तीसरे वनडे में तोड़ सकते हैं भारतीयों का रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है लियोन एगर की जोड़ी, पूर्व कोच डेरेन लीमन का दावा। कप्तान बनने के बाद कमाल कर रहे रोहित शर्मा, बेहद खास क्लब में कर चुके हैं एंट्री।
लंदन में दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मैराथन खिलाड़ियों को 1.5 किमी अंधेरी में सुरंग के 100 चक्कर लगाने होंगे। तीन महीने में खत्म होगा इयान थॉमस का इंटरनेशनल करियर, लगातार 12 साल विकेट को का शतक। पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड ने जीता क्रॉसओवर मैच, मेजबान भारत वर्ल्ड कप से बाहर। वसीम जाफर ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों को रणजी खेलने की दी सलाह। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। मोहम्मद शमी के उमरान मलिक को खास नसीहत, सिर्फ एक चीज पर कर लो कंट्रोल, दुनिया पर राज करोगे। रणजी मैच से मैदान पर वापसी करेंगे रविंद्र जडेजा, सौराष्ट्र के लिए संभालेंगे मैदान। फिल्म पठान की रिलीज से पहले शाहरुख खान ने मन्नत के बाहर आए फैंस का हाथ जोड़कर किया शुक्रिया। सैफ अली खान और करीना के छोटे बेटे जय का दिखा जलवा, मम्मी की गोद में लाड लेने की मस्ती। मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन 2 से नहीं टकराएगी रजनीकांत की जेलर, मेकर्स ने लिया यू टर्न। अपने संगीत में खूब नाची होने वाली दुल्हनिया आतिया शेट्टी, आतिया और केएल राहुल के संगीत पर पेपरोजी के लिए लगाया गया टेंट। कार्तिक आर्यन ने 10 दिन के शूट के लिए चार्ज के 20 करोड़, कहा 20 दिन में प्रोड्यूसर के पैसे डबल कर देता हूं। करीना कपूर को कोलकाता इवेंट में किया गया स्पॉट, उड़ता पंजाब के सॉन्ग पर डांस करती आई नजर, बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर भी की बात। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का स्टारर सेल्फी का ट्रेलर आउट, दमदार है कहानी। सुष्मिता सेन ने खरीदी मर्सिडीज कार, कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। रोमांटिक कॉमेडी का ओवरडोज है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्का, रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। फ्रीडम फाइटर के रोल में दिखी सारा अली खान, सामने आया ए वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक। आज के इस शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।